ज़रिए फ़रोग देकर हम सलामती और तरक्की की मंजिल तक पहुँच सकते हैं। एक तरफ इस्लाम का दावा है कि वो मौजूदा और आखिरत की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहित है और इस सिलसिले में पाए जाने वाले तमाम सवालात के तई गहरी बसीरत अता करता है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के दीगर मजाहिब जैन मत, हिंदू धर्म, आर्य समाज, बुद्ध धर्म, सिख धर्म और ईसाइत वगैरह भी इन्हीं पहलुओं पर जोर देते हैं। मुसावात, इंसाफ और भाईचारे के कदरों से मुतालिक इन मजाहिब की राय मुख्तलिफ हो सकती हैं, ताहम इन कदरों की अहमियत और इनके फ़रोग की ज़रूरत पर सब मुत्तफिक हैं। तो हम चाहते हैं कि इस खुसूसी इजलास में तमाम मजाहिब के फिक्र व ख्याल सामने आ जाएँ ताकि एक मुस्बत राय लाए अमल तय किया जा सके। हजरात, हम आज की इल्मी व फिक्री महफिल का आगाज़ करते हैं बिलादुल हरमैन अशरीफ़ैन से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आली वक़ार ममलकत सऊदी अरबिया की वज़ारत दीनी उमूर में मुशीर व मुशीर बराए मआली अल वज़ीर व मालूमात के बाहिमी तबादले से मुतालिक प्रोग्राम के निगरान आला मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला अल बुहैदान की खिताब से आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और सफ़र की जहमत उठाकर तशरीफ़ लाए। ममनूनियत के अमीर एहसास के साथ हम मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला अल बुहैदान से दरख्वास्त से तशरीफ़ लाए और इंसानी कदरों से मुतालिक इस्लामी नुक्ते नज़र से मुतारफ़ कराएँ। من بواعث اعتزازنا وافتخارنا بتواجد ضيفنا المبجل من بلاد الحرمين الشريفين وهو في الحقيقة بمثابة كوكب يضيء بأنواره الساطعة جميع بقاع العالم تحت راية برنامج التبادل المعرفي بإصداراته وندباته ودوراته أصالة عنه ونيابة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم علي الشيخ حفظه الله ورعاه كمستشار لمعالي ونحن نعبر عن بالغ تقديرنا وعظيم امتناننا لتحمله على السفر نرجو من سعادته الدكتور عبد الله بن فهد اللحيدان ليشرفنا بكلمته السامية فليتفضل سعادته مشكورة.